तेबे आपण माने सीधासळख भुवनेश्वर ताजा चित्र देखुथले 19तम जातीय अवक्षय नियंत्रण सम्मेलन अनुष्ठित होउछि केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान याक उद्घाटन करिसेंति एवं वर्तमान से अभिभाषण रखुथले जहार ताजा चित्र आपण माने देखि पारुथले एबे देखिबा परवर्ती खबर नुआपड़ा रे पूर्णि तेजिला लोयर इंद्र जलसेचन प्रकल्प बिवाद जलसेचन रो सुविधा एवं मरुडी क्षतिपूरण दाबी रे आंदोलन को लाइछंती चासी क्षतिपूरण प्रदान दाबी रे रास्ता अवरोध करिसेंति दोहेलपड़ा गांव चासी आंदोलनकारी चासी भवानीपाटना खड़ियाल मुख्य रास्ता अवरोध करिसेंति फल गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त होइछि ए संपर्कित अपडेट पाई वर्तमान फोन लाइन अछंती हम नुआपड़ा प्रतिनिधि विजय सहिस विजय पूर्ण तीव्र हला स्वर वर्तमान स्थिति केमति देखुछंती हाँ जागृति जो नुआपड़ा जिला खड़ियाल ब्लॉक रो दोहेलपड़ा मुख्य रास्ते आज चासी मूलिया संघ डाकरा रे आज स्थानीय लोक दोहेलपड़ा पंचायत सहित आखापाख खासबाल पंचायत शताधिक लोक राजा रास्ता अवरोध करछंती जो खड़ियाल भवानीपाटना मुख्य रास्ता को आज सकाल छह घंटार अवरोध करिवार जान बाहन सब संपूर्ण अचल हो जाइछि वर्तमान इन्हें दाबी करते जो पर्यंत प्रशासन अधिकारी मैंने जो दाबी अच्छी मुख्यतः जो लोअर इंद्र जलसेचन प्रकल्प को खासपाल और दुहेलपुर पंचायत को संप्रसारण दाबी और जो लोअर इंद्र जो क्षतिपूरण देवाई से दाबी करतीत चाषी मान जो मरुड़ी अच्छी मरुड़ी से क्षतिपूरण जोगे देवाई आज चाषी मैंने आंदोलन करते जगृति अपरपक्षे प्रशासन वर्तमान कौन कहे जेहेतु परिस्थिति टिके उत्तेजित भी रही प्रशासन केमती नजर रखी आप प्रतिक्रिया मिललानी आपको जागृति आम प्रशासन सहित कथा स्थानीय तहसीलदार सहित कथा बीडीओ सहित कथा घटनास्थल कहीं आंदोलनकारी मैंने जो रास्ता रोक आहरी मानने अधिक तीव्रतर कर प्रशासन से आसवा जाए दीटा दाबी मुख्यतः से पूर्ण ना जाए आंदोलन ओहरिबू नहीं बोली कहते जागृति विजय को राक्षा मुख्यतः से अवरोध करोक हंत सत निहाती भाव हो जात्री विशेष भाव जागृति ये जो खड़ियाल भवानी मुख्य रास्ता जो अच्छी जो स्टेट हाईवे जो कहते दुहेलपड़ा गांव मुख्य रास्ता पर अवरोध कर दुई साइड रे जो जान बाहन प्रायत तो 2 किलोमीटर जाए जो ट्रक चारिचक जान बाहन रही व्यतीत तो बहुत लोक मैंने रास्तार अटकी रही यात्री मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन होती जागृति सूचना पे धन्यवाद विजय ये प्रतिनिधि विजय सहिस नुआपड़ा अपडेट दौते पुणि थे लोयर इंद्र जलसेचन प्रकल्प विवाद जोरदार होई जलसेचन सुविधा और मरुड़ी क्षतिपूरण दाबी रे आंदोलन खोलाई चासी और से वर्तमान रास्ता अवरोध कर सूचना दौते आम प्रतिनिधि और अपरपक्ष प्रशासन वर्तमान पर्यंत घटनास्थल में पहुंची ना से कहते ढेंकानाल बेलो टिकरी गुड न्यूज इंडिया शेल्टर होम निर्यातना मामलें संस्था मुख्य फैज रहमान को द्विदिनिया रिमांड नहीं तनाघना चलाई ढेंकानाल पुलिस गुड न्यूज इंडिया युवती चलाण हो कि ना बाहर राज्य कि बाहर देश को पिला जाई कि से नहीं पचरा उचरा कर 2015 ढेंकानाल गुड न्यूज इंडिया को प्रशासन बंद करने पुणी थे किभली चलला संस्था और यह चलवाप क्यों आसूला अर्थ विदेश फंड चली कि गुड न्यूज इंडिया एने पचरा उचरा कर सेपटे बेलो टिकरी जौन कलेंकारी घटना सामना को आसा पर राज्य में समस्त गुड न्यूज इंडिया शेल्टर होम उपरे चढ़ाव करा पुरी रे गुड न्यूज इंडिया रो शेल्टर होम सील करा समस्त अंतवासी से अभिभावकों जिम्मा दि जाए ब्रह्मपुर वैकुंठ नगर में निर्मला शिशु भवन में 11 अंतवासी 9 जन अभिभावकों पाखे छाड़ दि जाए निर्मला शिशु भवन सील कर छत्रपुर साहेब जेनापल्ली गुड न्यूज इंडिया आश्रय गृह प्रशासन चढ़ाव कर शताधिक अंतवासी स्थानांतर कर भद्रक तिहिड़ी नंदपुर न्यूज इंडिया ड्रीम सेंटर उपरे जिला प्रशासन चढ़ाव यार रजिस्ट्रेशन अवधि सरी जाता जमापड़ तबे अपडेट कौन रही पचरा उचरा रहा जानापी आसतु सीधासख आम आपको ढेंकानाल नहीं जाऊँ से प्रतिनिधि आशीष रंजन शतपथी आशीष आज द्वितीय दिन गुरुत्वपूर्ण दिन कारण शेष दिन आज तदंत दिग के देखुंट देखु जागृति निश्चित भाव में कहवाक चाहे गत काली आरंभ हो जो माराथन जेरा चलू
फैज रहमान को एक अजणा स्थान रखी ढेंकनाल पुलिस जो भाव में माराथन जेरा करुथुला निश्चित भाव में गतकाली राति 9:30 पर्यंत जेरा चलीथिला एवं आज हेउछि द्वितीय तथा शेष दिन निश्चित भाव में किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य वर्तमान सुधा आम हस्तगत हो सारी जहां ढेंकनाल पुलिस पक्षर आमको सूचना मिली आम कहीपर देखु गतकाली जो राति 9:30 पर्यंत जेरा होता है जो गुरुत्वपूर्ण तथ्य लगी कहवाक चाहिए कि जो प्रथम कथा जो उठी फंडिंग कथा जो प्रकृत में जो अर्थ कारबार एथेर हेउछि ढेंकनाल बेल्टिकरी समेत राज्य विभिन्न स्थान में जो भाव में चेर लंबी था सेल्टर गृह केवल राज्य नुह राज्य बाहर रही तेज एथेर जो अर्थ विनियोग होता गत काली तथ्य किसी मिली जेरा करने फैज रहमान को जमापड़ी पखापाखि एक कोटी टंका जहाँकि आसूला निजस्व कंट्री जो मैंने कि गरीब असहाय पिला सहायता संबंधी देखते किसी व्यक्ति सहित जो बाहर अर्थ कथा उठाला विदेशी पुंजी एथेर किसी रही ना ना सेल्टर गृह जो भाव में चली निश्चित भाव में बाहर पैसा आसूला और पखापाखि वार्षिक 14-15 कोटी टंका बाहर अर्थ एथेर विनियोग होता खबर मिली और सहित कहवाक चाहिए जो वीडियो वायरल कथा उठाला सेक्सुअल हरासमेंट ठार आरंभ कर जो धर्मांतरीकरण कथा उठाला ता विषय में कहवाक चाहिए जो गत काली फैज रहमान निजे कथा कहते कि जो भली भाव में जो वीडियो वायरल होता से स्पष्ट कर विजुअल हो पश्चिम बंगर बोली से स्पष्ट कर जो कथा रही कि जो पाने कि पाकर जो रही परिवारवर्ग से पिला बाप्टिस्ट अर्थात ख्रीष्ट धर्म ने जो मैंने चाहूल से जो डुबन प्रक्रिया रही से भाव में डुबन प्रक्रिया करना धर्म पर बोली निश्चित भाव से एक प्रकार निजे स्वीकार कर फैज रहमान कि वीडियो से स्पष्ट कर नुह ओडा बाहर पश्चिम बंगर बोली से स्पष्ट कर सहित आहरी किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिली जो नागरिकत्व कथ उठूला जो फैज रहमान एका सांगे दुई दुईट जगार अर्थात आमेरिकान जो नागरिकत्व सांग को भारत नागरिकत्व ग्रहण करते जो कथ उठूला ता स्पष्ट होका सांगे फैज रहमान दुई दुईट भारत और भारत बाहर आमेरिकत्व नागरिकत्व सांग को भारत नागरिकत्व ग्रहण करते सूचना मिली ओडिशारे 25 शाखा चलुला गत काली जेरा जना पड़ी और सहित बहुत कथा से स्वीकार भी कर बड़ प्रसंग होते गुड़ाए संस्था खोलने गुड़ाए शाखा खोलने किए सपोर्ट दौला कहार सहयोग से किसी कहते कि आउ किए स्कैनर को आसीपारती देखु जागृति जेहेतु एत बड़ केलेंकारी होई जौन निर्यातना ठार आरंभ कर धर्मांतरीकरण एवं विदेशी पुंजी एवं एका सांगे दुई दुईट जगार नागरिकत्व भारत एवं भारत बाहर एत गुड तथ्य सामना को आसपा निश्चित जहां जमापड़ आज जो माराथन जेरा हे निश्चित भाव में ढेंकानाल पुलिस हाथ में किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य आहरी लगे ए घटना को लेकिन बर्तमान ढेंकानाल पुलिस पूरा जाग्रत रही जेरा पर जेरा लगातार गुड़ई तुड़ई बर्तमान जेरा चली आज दिन 5 पर्यंत चलो जेरा सर पर ही आहरी किसी तथ्य निश्चित भाव में लगे हाथ में और भित्तिक ढेंकानाल पुलिस भविष्य निर्धारण कर दुई दिन यथेष्टा आग को जो रिमांड पुणे अपील करें पुलिस देखो तो वर्तमान सुधा जहां आप कहते आम अनुमान करुचु गत काली जेहेतु राति 9:30 पर्यंत जेरा होता और आज माराथन जेरा चली एक अजणा स्थान में फैज रहमान को रखी जदि आज जो दिन तमाम रही जेरा दिन 5 पर्यंत जदि एथेर ढेंकानाल पुलिस निश्चित भाव में जदि शांति संतुष्ट न हुए तेज आहरी रिमांड में आने निश्चित से स्वतंत्र पोक्सो कोर्ट को आवेदन कर सूचना रही जागृति सूचना पाई धन्यवाद आम सहित प्रतिनिधि आशीष रंजन शतपथी ढेंकानालु आपमनको अपडेट दउथले फैज रहमान को पचरा उचरा आज द्वितीय दिन और अनेक गुड़ाए गुमर खोलुचे गोटे पर गोटे रहस्य पर पर्दा हटुचे से जो कथा कहते अपडेट या बहुत गुड़ाए जिन से स्वीकार करिचे जो वीडियो कथा कहुला वायरल जो वीडियो होता ओडिशार नुहे से कहते कि बड़ प्रश्न है को मैंने सहयोग करते फंड केमती कौठ आसुला मंडी रे किणा बिका बंद समलपुर बरेपाली धान मंडी रे अचलावस्था आद्रता नारे अधिक कटनी छटनी करा जाउची जहाकु चासी माने विरोध करिछन्ति मिलन का ग्रेडर एवं कुल्ला व्यवहार को मध्य विरोध करा जायछि जहा फळरे मंडी रे धान किणा बिका बंद रहिछि धान मंडी रे अप्रीतिकर परिस्थिति लागि रहिथिबारु सहसह धान बोझै गाडी अटकी रहिछि
तबे केमिति वर्तमान स्थिति रहिछ ता जानिया पे आसंदो सीधा सळख आमे आपनकु संबलपुर रो बरेईपाली कु नै जाउछु सेठरा छन प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान त्रिविक्रम मंडी रे अचल अवस्था आउ किणा बिका बन्द चासी अडी बसिछ केमिति देखु छंती चित्र हाँ देखते जगृति आम अच्छे संबलपुर सबुठ बड़ धानमंडी जहाँ कह जाए बरेईपाली अचलावस्था लगी रही चाषी असंतोष लगी रही चाषी मैंने देखिपार सीधा सड़क दृश्य विक्षोभ प्रदर्शन कर आलोचना चली आलोचना सफल होनी एवं शह शह गाड़ी धान बस्ता सब धान बोझे गाड़ी अटकी रही एपर्यंत किणाबिका हो पारिना आम सीधा सड़क प्रथम प्रतिक्रिया ना अचलावस्था लगी रही सकू एपर्यंत समाधान हो पारुन आज्ञा अचलावस्था इतने कटनी झटनी जोरसोर करुछन सेटा आसिकरि से मिलर भाई मैंने बसीचन सीएसओ आरएमसी सबे बसीचन निष्पत्ति हवा जदि कटनी छटनी जदि नाइ हवा धान एटु जिबा इटा आम चासी मैंने विचार करुछन कटनी छटनी जेन होजी कहन का ग्रेडर के आ का का मना को जिल्लापाल कहितले ग्रेडर मिसि व्यवहार नै करवा लागि सब मिले ग्रेडर व्यवहार करुछन आमे सेतै सख विरोध करुछन ग्रेडर मिसिन कटनी के आम सख विरोध करुछन सब चासी केते अधिका कटनी हि जाउछ जेनटा तुमको अधिका लॉस होजी कहन सीधा कथा कह एक तो आम पहला चकड़ार प्रभाव रू बची जेन थोड़े मुड़े धान आनलु आनी इन बिक्रबार लगे सकाल छह बजे धरिक आईसु किन्तु एंता आलो कर चकड़ा नु बचे आनचु से मैंने एंता रूल रेगुलेशन बाहर कर ग्रेडर से कुलर पाचरी कर मोस्टर मशीन ये प्रकार रे व्यवहार कर जेन बाकी को बचे आनी चुने मिल वाले कटनी छटनी कर चाषी मरबार छड़ा अलग किसी रास्ता ही नानो आम यार लगे बोल आज कटनी छटनी के बंद नहीं करबे ये सब धान धरिक राजरास्ता के जिमु नचे आम जिलापाल ऑफिस के सब धान धरिक आंदोलन आगर भी करी असंतोष रोला कटनी छटनी बंद बारंबार आम आंदोलन खाली आंदोलन करदमु आम चाष करमु आम चाष धान को आनुचु आज्ञा देखो आज मॉइश्चर आलो रे इथि लगी प्रशासन पूरा दायी है मॉइश्चर आलो रे आमको एमएसपी दौचे बोल कौन बिल्कुल नुए आज्ञा एमएसपी सरकार रो पूरा सास गांड रोचे एमएसपी नुए आम पांच के जी सात के जी दो काटी दौन क्विंटल पिछा बोले आम चाषी जेन आम बचे बुचा कर आनुचु आज्ञा छह मास होगा आम इनो शोषण हम खाली आम शोषण चाषी शोषण हमारे खाली अच्छे चाषी प्रतिक्रिया आसुच्छे शोषण पर शोषण बरदास्त करना सूचना धन्यवाद त्रिविक्रम ये प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान आपण सीधा सड़क से संबलपुर बरेईपाली धान खड़ू ताजा चित्र देखुले सका छटू चाषी विड़म्बना होने आसुले धान बिक्री करने कि विभिन्न आल देखा कटनी छटनी कराक विरोध कराषी और जहां नहीं अचलावस्था बर्तमान मंडी एने ताजा सूचना दूसरे प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान विजिलेंस जालो रे भद्रक डीआरडीए प्रोग्रामिंग ऑफिसर संजीव महांती आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे संजीव को बासभवन समेत एक कालीन पांचटी जगह रेड संजीव को भद्रक नरीपुर स्थित बासभवन कुआंसरे शशुर घर ऑफिस रे चढ़ाऊ चलता बेले भुवनेश्वर और पुरी रे बासभवन ने भी रेड कर विजिलेंस चढ़ाऊ रे भद्रक बालेश्वर विजिलेंस रो पांचटी टीम सामिल होती राउरकेला एनआईटी क्रय एवं श्रम विभाग कार्यालय में भयंकर अग्निकाण्ड अग्निकाण्डरे संपूर्ण घर जली भस्मीभूत होइछि जरूरी कागजपत्र सहित आसबाबपत्र भी पोड़ी जाइछि लाखाधिक टंकार संपत्ति नष्ट होइतबा अनुमान करा जाउछि गतकाली राति पाखापाखि दुईटा बेले घटिछि अग्निकाण्ड तबे नियाकु आयत्त करा जाइतबा बेले अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट तबे आपण माने चित्ररु ही अनुमान करिपारुछन्ती जे नियार अग्निकाण्डर भयावहता केते अधिक थिला आमे कहुछु राउरकेला एनआईटी क्रय एवं श्रम विभाग कार्यालय कथा भयंकर अग्निकाण्ड घटिछि अग्निकाण्ड रे संपूर्ण घर भस्मीभूत होइ जाइछि जरूरी कागजपत्र सहित अनेक गुडाए जिनिसपत्र भी जळी जायथवा जणा पडिछि लाखाधिक टंकार संपत्ति पोडी पाउंस होइ जायथवा अनुमान करा जाउछि गतकाली राति पाखापाखि दुईटा बेले घटिछि अघटन नियाकु आयत्त करा जायथवा बेले अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट अपडेट पाई वर्तमान आम सहित फोन लाइन अच्छा राउरकेला प्रतिनिधि अमिय परिडा अमिय चित्ररु अनुमान करते अधिक क्षयति क्षयक्षतिर आकलन है कि किभली निया लगला शॉर्ट सर्किट जो ना किसी कारण रही देखो जगत गत विलंबित रात पाखापाखि दुटा बेले घटना घटला
ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ନିଆଁଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆୟତ କରିନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବେଜ ଥିଲା, ତ ପାଖାପାଖି ଏନ୍ଆଇଟିର ସବୁ କାମର ହିସାବ କିତାବ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ହୁଏ, ଶ୍ରମଠୁ ନେଇକି କିଣା ବିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷର କାଗଜପତ୍ର ସେଇ ମାନେ ସେ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ଜାଗୃତି ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି ଏବଂ କେତେ କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି? ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ କିଛି ଆକଳନ ନେଇକି ସେମାନେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଘଟଣାଟି ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଲାଗି ଯୋଗୁ ଘଟିଥିବାରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୀୟ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 2:00 ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏନ୍ଆଇଟି କ୍ରୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସବାବପତ୍ର ହେଉ, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ର ହେଉ, ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ଅଭିଜିତ୍ ଅୟର ମିତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଅୟର। ଏହାପରେ ଗୃହ କମିଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଜିତ୍ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗୃହ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଗୃହ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିଜିତ୍ ଅୟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନବୀନଙ୍କ ସହୃଦୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିଜ୍ଞତାକୁ ବି ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ୍ଙ୍କ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ ଅଭିଜିତ୍ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୋହିଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗପିବା ମନା। ରୋହିଣୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କୁଳପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋହିଣୀ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ବାହାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ରୀ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ଭିଭିଆଇପି ହେଲିକପ୍ଟର କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ହେଲିକପ୍ଟର କିଣାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶେଲ ଜେମ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିଛି ୟୁଏଇ। ଗତକାଲି ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ଦୁବାଇର ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟା ହେଲିକପ୍ଟର କିଣାରେ ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ମିଶାଇ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଥିଲେ। 2010ରେ 12 ହେଲିକପ୍ଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 423 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜେମ୍ସ କେବଳ 225 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ 2014ରେ ଭାରତ ସରକାର ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। 2016 ଜୁନ୍ରେ ଜେମ୍ସଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏଭଳିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଉମ୍ମିଦ ହେ କି ନୀରବ ମୋଦି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଦେଖିଏ ମୈଁ ତ ଚାହୁଁଗା କି ଇ ସବ୍ ଲୋଗ୍ ଆଏ କ୍ୟୁଁକି ଇସ୍ ପ୍ରକାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଆପ୍ ଇସ୍ ଦେଶ କୋ ଲୁଟେ ଇସ୍ ଦେଶ ମେ ଅପରାଧ କରେ और जाकर दुनिया के जो सबसे रोल मॉडल डेमोक्रेसी है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम वहां बैठ जाएं। और इसलिए मैंने वहां के भी अधिकारी और मंत्रियों को भी ये कहा कि हम लोग तो अपने लोकतंत्र को कई बार आपके ऊपर बेस करते हैं और फिर आपके यहां ऐसे लोगों को पनाह मिल जाए ये तो कई बार हम लोगों को हजम होने वाली बात नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि ये सब लोग वापस आएं और हमारे कानून के सामने इनकी अकाउंटेबिलिटी जवाब दें।
राजस्थान विधानसभा निर्वाचन प्रचार शेष होउछि। संध्या पांचटा परे प्रचार थमी जिवो। आसंता सात तारीख शुक्रवार दिन 200 आसन पर भोट ग्रहण हेबो। प्रचार शेष दिन थिबारु समस्त प्रमुख दल पक्षरु प्रचार जोरदार करा जिवो। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाली एवं दौसारे प्रचार मैदान खोलाइबे। सेहिपरि शेष दिन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केन्द्रमंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रमुख विभिन्न निर्वाचनी रैली रे जोगदेवे। सेबडे कांग्रेस पक्षर् रैली को जोरदार करा जायछि। सचिन पायलट, अशोक गहलोत विभिन्न भिन्न सभा को जाई संबोधन करिवे। सेहिपरी कांग्रेस नेता माने डोर टू डोर जाई दलीय प्रार्थी को भोट देबा पई भोट भी मागिवे। तबे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सांबादिक सम्मेलन वर्तमान जयपुर चली आसो सीधा सड़क कल रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 1700 करोड़ रुपए का बजट रखा 5 साल के लिए गोरक्षक पे और उस पे, लेकिन खर्च कितना किया 5 साल में कुछ? उन्होंने थोड़ा अशोक गहलोत का हिसाब पहले देना चाहिए। अमित जी, आप कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार को नेशनाबूद कर दिया, ये व्यापम घोटाला और ललित मोदी घोटाला ये क्या है? व्यापम घोटाला और ललित मोदी, देखिए जहां तक व्यापम घोटाले का सवाल है, व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं पर केस करने की सूचना दी है गलत आरोप लगाने के लिए। आरोप लगाना सरल बात है और ललित मोदी हमारे समय में उनको भागना पड़ा है, कांग्रेस थी तब तक भागना नहीं पड़ता था, उनकी भाग बटाई चलती थी वहां पर। अमित शाह जी, बुलंदशहर में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को पीट पीट कर मार दिया। कांग्रेस का आरोप यह है कि जब यूपी में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, गाय के नाम पर इस तरह की हिंसा की जा रही है, यह कहीं ना कहीं साजिश है इस देश के माहौल को बदलने के लिए। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक SIT बनाई है यूपी मुख्यमंत्री जी ने और SIT इसकी डिटेल जांच करिए, सीनियर मोस्ट अफसर इसके अंदर लगे हैं, परंतु इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता उचित है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है, जब ये SIT का रिपोर्ट आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी अभी वो कोर्ट में पहुंचते हैं, हर रोज कोर्ट से हारते हैं, शायद आपका ध्यान नहीं वो केसों के बारे में। शाह जी, अभी आपने डबल इंजन डबल ग्रोथ की बात की, मैं आपका ध्यान पत्रकारों से ही जुड़े हुए एक मामले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी जनता की बात करो यार, पत्रकार भी जनता में ही आते हैं। चलिए चलिए करिए। मजीठिया वेज बोर्ड, जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड पत्रकार जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के तहत गवर्न होते हैं और इसी एक्ट के तहत 2008 में पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड आया था, जिसको 2011 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, 14 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। अभी आपने यहाँ कहा कि हमारी 20-22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन आज तक एक भी राज्य में एक भी अखबार में पूर्णता ये भी